चूंकि यह एक शैक्षणिक चैनल है और शिक्षकों की सहायता हेतु बनाया गया है, तो सभी शिक्षकों से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बताया जा रहा है, वीडियो चल रही है उसके नीचे चैनल का नाम और सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा है, उसको क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। अपनी शाला दर्पण की आईडी ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार की विंडो आपको शो होगी, जहां होम लिखा है उसके ऊपर तीन क्लिक हैं, उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद चूंकि हमें आज सीखना है कि मंथली अटेंडेंस कैसे एंटर करें, तो इसके लिए आप स्कूल पर क्लिक करें। स्कूल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की इंटरफेस शो होगी, जिसमें एक दो और तीन तीन रो दिखाई दे रही है। तीसरी रो में जहाँ लिखा है क्लास वाइज मंथली टोटल वर्किंग डेज एंट्री, हमें मंथली अटेंडेंस से पहले वर्किंग डेज एंट्री करनी होगी, तभी हमारी मंथली अटेंडेंस हम भर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसके लिए ये पहले कर लें और क्लिक करें क्लास वाइज मंथली टोटल वर्किंग, तीन नंबर रो और तीन नंबर कॉलम। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार की नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपना सेशन भरते हैं, क्योंकि वर्तमान में 2019 भी चल रहा है, तो इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास टोटल क्लासेज और टोटल मंथ, एक साल का पूरा वर्किंग मंथ आपके पास आ जाएगा, मई से अप्रैल तक। इन तीन महीनों की जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भरी हुई है, तो आप नवंबर की भर लें या जैसे ही आता है भर सकेंगे। इसमें वर्किंग डेज भरने होते हैं, यानी एक मंथ में स्कूल कितने दिन लगा उसकी डिटेल देनी होती है, न कि मीटिंग की। यानी एक दिन में हम दो बार हाजिरी लेते हैं तो वो हमें डिटेल नहीं देनी है, जितने दिन स्कूल लगा है वो ही भरेंगे। जैसे अक्टूबर में 17 दिन लगा था तो 17 दिन भरा है, और जबकि मीटिंग 34 हुई थी, एक दिन में दो लेते हैं, तो हमें वर्किंग डेज भरने हैं। तो वर्किंग डेज इसमें भरे हुए हैं, तो आप अक्टूबर तक जैसे भरा है 17, तो 17 दिन स्कूल लगा था, सितंबर में 21 और अगस्त में 25 दिन और जुलाई में 27 दिन। अब नवंबर में जितने दिन स्कूल लगता है वो आप इसको भरेंगे, तभी आपकी डिटेल शो होगी। उसके बाद यहाँ वर्किंग डेज भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप मंथली डिटेल भरनी है तो स्टूडेंट कॉलम में आ जाएं। आप स्टूडेंट में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे पहली रो में आपको लिखा रखा है स्टूडेंट मंथली एंट्री अटेंडेंस जो है उसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार की इंटरफेस जो होगी, उसमें सबसे पहले आप सेशन भरें, चूँकि सेशन 2019-20 चल रहा है, तो इसको क्लिक कर दें। और क्लास कोई भी आप 1 से 8 तक जो आपको भरनी है, और उसके बाद सेक्शन ए और मंथ जनवरी से लेकर आज तक सारे मंथ दिखाए गए हैं, जिस मंथ की आपको भरनी है भर दें। अगर आपने वर्किंग डेज भर दिए हैं तो आपके पास मंथली डिटेल एंट्री शो होगी, अन्यथा नहीं। अब आपके पास इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होगा, इसमें दे रखा है सीरियल नंबर, एसआर नंबर, नेम, कुल मासिक कार्य, यानी ये हमने सितंबर के लिए है, तो उसमें 21 दिन वर्किंग डेज था, शो हो रहा है। अगर आप नहीं भरोगे यहाँ तो यहाँ पे 0 शो होगा। और उसके बाद कुल मासिक उपस्थिति, पहला बच्चा जो है आबिद, वह 21 दिन में 21 का 21 दिन पूरा आया है, और ऐसे ही आसिया है, और थर्ड पे दे रखा है आसमिन खान, जो 18 दिन इसने वर्किंग डेज दिए। अगर कोई बच्चा एक महीने में या वर्किंग डेज के अकॉर्ड 11 दिन आता है, या उसकी 22 या 21 अटेंडेंस होती है, तो आप उसको 21 का आधा 10.5 की बजाय 11 भरें, ठीक है। तो ये है तरीका इसको भरने का। और उसके बाद सारा भरने के बाद सेव कर दें। सेव करने के बाद ऊपरी ऊपर आपके पास डिटेल आ जाएगी सेव सक्सेसफुली, जैसे इसमें लिखा है सक्सेस अटेंडेंस सक्सेसफुली। तो ये थी इसको मंथली अटेंडेंस को भरने की प्रक्रिया। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई सवाल है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।